खामोशी हो सुकून हो वहाँ आपने दिन के किसी या या तो दिन के पहर या फिर जुमे की शब तक आप शान हो जाएंगे कि रिज़क कहाँ से आ रहा है और कितनी तदाद में और कोशिश करें हर जुमे को पढ़ लिया करें या चलते फिरते इसको अपने जिक्र आउज़ बिल्ल मैंने शैतवान रज़ीम बसमीम अलैक्म मैं हूँ सालिया सहेल कैसे हैं आप लोग आ, आज सफ़र का दूसरा जुम्ह और इसमें मैं आपको जो शेयर करने जा रही हूँ वो एक ऐसा अमल है कि जो रिज़ की फरवानी का बायस है और इसके हवाले से मैं आपको क्या बताऊँ कि इसको पढ़ने वाला जो है वो कभी रिस्क की कमी नहीं आती समझे रिस्क उसके घर की लॉन्डी बन जाता है और अल्लाह आज के मैंने ये रिस्क के हवाले से वज़ाइफ़ इसलिए भी बता रही हूँ कि एक तो सफ़र का दूसरा जुमा है और जुमा वैसे भी मुबारक होता है जुमा ऐसा आ, दिन है जो इंतहाई मुबारक है इबादत के लिए और ये इबादत ये जो वजीफा है सबसे ज़्यादा कि ये दुरूद पाक इसमें शामिल है अदरुद पाक वो कलाम है जो अल्लाह की बारगाह में कभी मुस्तरद नहीं होता दुरुद पाक पढ़ने के फ़वाद दुरुद पाक की बरक़ात दुरुद पाक के रहमतें इससे कोई वाकफ़ नहीं है दुरुद पाक आपको ज़िंदगी भी कामयाब करता है और आखिरत में भी तो मैं आपको जो अमल बताने जा रही हूँ मुझे उम्मीद है कि आप उसको ज़रूर करेंगे आज आ, जुमा है सफ़र का दूसरा जुमा आज का दिन में भी ये हो सकता है और आज की रात में भी हो सकता है आपने करना क्या है आपने एक साफ़ सुथरे मकाम पे जहाँ खामोशी हो और सुकून हो वहाँ आपने दिन के किसी या या तो दिन के पहर या फिर जुमे की शब तक आप ही कर सकते हैं अमल वहाँ आपने अवलो आखिर दूध पाक पढ़ कर बल्कि खुद दरुद है तीन सौ तेरह बार आपने दरूद पढ़ना है ये वाला इस तरीके से मैं आपको पढ़ देती हूँ अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद अब्द का व रसूल का वसल मोमिनीना वल मोमिनाते वल नात वल मुस्लिमात ये आपने वर्द करना है तीन सौ तेरह बार और आपने उसके बाद रजक की फ़रावानी की दुआ करनी है इन आप ये देखेंगे आपके रजक की ऐसा दरवाज़ा खुलेगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि रजक कहाँ से आ रहा है और कितनी तादाद में और कोशिश करें हर जुमे को पढ़ लिया करें या चलते फिरते इसको अपने जिक्र का सबब बना देंसल महमदिन अब देखा व रसूल का वसल अलमोमिना ममिन वमसलम व मुसमत तो आप देखेंगे इन ताला इस कलाम पाक से इसकी बरकतों से तमाम मसाइल का हल हो जाएगा ख़ास तौर तो पर रज़ की फ्रावानी आप पे बारिश बन के बरसेगी बहुत शुक्रिया